नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना क्लासरूम ज्ञान अभियान। चलिए आज इस वीडियो में सीखते हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और काफी इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए देखते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th, आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा है, चैप्टर 9th एग्जाम्पल 3, दैट अ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है, डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, उसको दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल एबीसी, ये जो रिजल्ट है जो आ रहा है उसको वेरीफाई करना है इस वाले ट्रायंगल एबीसी के लिए, हुज वर्टेक्स आर, ये दे रखा है। अब क्या है कि इसमें देखने वाली बात यह है कि ये ट्रायंगल ये इस तरह का बना लेंगे, ए बी और सी, ए पॉइंट ये लिख लेंगे, बी ये लिख लेंगे और सी ये पॉइंट लिख लेंगे। अब कह रहा है कि इसका एक मीडियन है, तो मान लेते हैं कि ये ए डी इसका मीडियन है, ये डी पॉइंट हमने ले लिया और ये इसका मीडियन है। तो मीडियन कहने का मतलब क्या हो गया, बी सी का हाफ। तो पहले डी निकालते हैं, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 5/2 - 2 + 2/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/2 - 0/2 या फिर ये हो गया 4/0। तो ये हमारा आ जा रहा है 4/0। ठीक है, तो डी पॉइंट हमने निकाल लिया। अब हमें प्रूव करना है कि एरिया ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक तरफ से निकालना स्टार्ट करते हैं, एरिया ट्रायंगल ए बी डी निकालते हैं, एरिया ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू, एरिया ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होगा 1/2, और आपको पता है यहां पे क्या हो जाता है, एक्स वन ब्रैकेट लेते हैं और यहां पे हो जाता है y2 - y3 ब्रैकेट बंद, फिर ये प्लस हो जाता है, फिर यहाँ लेते हैं x2 और फिर ब्रैकेट लेते हैं और इस जगह पे हो जाता है y3 - y1 और फिर ब्रैकेट बंद और फिर प्लस और इस जगह पे x3 लेते हैं और फिर अब हो जाता है y1 - y2 और ब्रैकेट बंद और ये बड़ा ब्रैकेट भी बंद। ये फॉर्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए। तो यहाँ पर इसी वाले फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए, फॉर्मूला लिखने के बाद अब इसका वैल्यू पुट करना है, हमें वैल्यू पुट करते हैं ए बी डी, ये देखना है। तो ए ये x1 x2 x3, तो यहाँ पर चलते हैं x1 सबसे पहले हमारे पास 4 है, 4 ले लिया। अब y2 यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा -2 और y3, तो y3 यहाँ पे देखिए d का वैल्यू यहाँ d में जो है ये, तो ये हो जाएगा -0 और फिर प्लस x2 अब हमारे पास है 3 और y3 हमारे पास है 0, -y1 हमारे पास -6, तो ये हो जाएगा +6 और ये हो जाएगा प्लस और इधर ये हो गया 4 और ये हो जाएगा y1 हमारे पास फिर से -6 और y2 हमारे पास है -2, तो -2 और ये ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 1/2 और ये हो गया 4 - -2 और ये प्लस, ये हो गया 3 - 6 और ये प्लस 4 - -4 ब्रैकेट बंद। अब ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा -8 + 6 = 18 और तो ये हो जाएगा -4 = 16। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इस जगह पे कर लेते हैं, ये हो जाता है 1/2 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय में, इन दोनों को प्लस करेंगे 16 + 8 तो ये हो जाएगा 24 में से 18 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा -6, तो इसको काटा तो ये हो जाएगा -3, तो -3। ठीक है, अब इस -3 को मॉडुलस में डाल देंगे, -3 = हो जाएगा 3² यूनिट
थ्री स्क्वायर यूनिट ये आ गया हमारा, क्योंकि एरिया जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए इसको मॉडुलस में डाल करके हम इसको क्या कर लेंगे, थ्री स्क्वायर यूनिट बना लेंगे। अब हमने एरिया ए बी डी निकाल लिया, अब इसी तरह से एरिया ए सी डी निकाल लेंगे। एरिया ट्रायंगल ए सी डी, यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे चूंकि जगह थोड़ा कम है तो मैं फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, मैं सीधा सॉल्यूशन लेता हूँ। आप फॉर्मूला लिखेंगे अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूले के भी मार्क्स मिलते हैं तो हमेशा फॉर्मूला लिखना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1/2। और फिर अब यहाँ पे देखते हैं ए सी डी की बात हो रही है, तो ए में एक्स वन हमारे पास यही 4 हो जाएगा, और y2 हमारे पास 2 हो जाएगा, और माइनस y3 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और x2 हमारे पास हो जाएगा ये फिर 5, और ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। तो अब यहाँ पे y3 लेना है, पहले y3 हमारे पास है 0, और फिर ये माइनस, और फिर यहाँ पे लेना है y1 हमारे पास है -6, तो ये हो जाएगा प्लस का 6, और ये फिर प्लस लेंगे, और इस जगह पे हो जाएगा ये हो जाएगा 4, और y1 हमारे पास -6, और फिर ये माइनस, और y2 हमारे पास है 2, ये ले लिया हमने 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जाएगा 1/2, और यहाँ पे अब देखते हैं ये हो जाता है 4, और ये 2-0, तो 2 4 × 2 = हो जाएगा 8, और प्लस अब यहाँ पे हो जाएगा 5 × 6 = हो जाएगा ये 30, और ये हो जाएगा अब -6 - 2, तो हो गया -8, और ये तो हो जाएगा -32। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2, और अब इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हो जाता है ये मल्टीप्लाइड बाय में 6, तो ये जाएगा 2 × 1 = 2 2 × 3 = 6 = हो जाता है 3 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया सॉल्व। अब इसमें देखना, अभी हमने निकाल लिया ये वाला एरिया भी निकाल लिया, और ये वाला एरिया भी निकाल लिया, ये 3 यूनिट आ रहा है, और ये भी 3 यूनिट आ रहा है, क्योंकि मीडियन है तो दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, ये 3 आएगा तो ये भी 3 आएगा। अब देखते हैं पूरे का 6 आता है या नहीं आता है, तो लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ए बी सी = 1/2, और फिर वैल्यू पुट कर लेना है ऐसे। अब यहाँ ले लेते हैं x1 हमारे पास है 4 ले लिया। अब यहाँ पे इसके बाद कह रहा है y2 - y3, तो y2 हमारे पास है -2, और y3 हमारे पास है ये भी 2, तो ये -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे x2 हमारे पास हो जाएगा ये 3, और ब्रैकेट के अंदर अब लेना है y3 - y1, तो y3 हमारे पास है 2, और y1 हमारे पास है -6, तो ये -, प्लस का 6, और ये फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और इस बार x3 ले लेंगे, x3 हमारे पास हो जाएगा 5, और ब्रैकेट के अंदर अब लेना है y1 - y2, y1 हमारे पास -6, और -y2 हमारे पास है 2, तो ये हो जाएगा +2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जाएगा 1/2, और अब इसको -2 - 2, तो -4, तो -4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -16, और प्लस ये हो जाएगा, इसको अगर करेंगे 6 × 8 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24, और ये फिर ये जाएगा -6 और +2 = -4, -4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा तो -20 और -16, तो -36 में से 24 माइनस करेंगे तो हो जाएगा -12। अब इसको काटा तो 2 × 1 = 2 2 × 6 = 12, तो ये हो गया -6 = इसके ऊपर मॉडुलस लगा देंगे -6 = हो जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा हो गया 6 स्क्वायर यूनिट। तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ट्रायंगल ए सी डी इक्वल एरिया ट्रायंगल ए बी सी, ये प्रूव्ड हो जा रहा है हमारा, है ना, ये इससे प्रूव्ड हो जा रहा है, क्योंकि ये हो जा रहा है 3 यूनिट प्लस में ये 3 यूनिट इक्वल टू ये 6 यूनिट, और ये हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझने में आपको बहुत ही आसानी भी होगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।